हिमाचल में ज्वाली के एसडीएम सलीम आजम ने आज क्वारंटाइन सेंटर ढन का निरीक्षण किया तथा क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती लोगों का कुशल क्षेम पूछा और सुविधाओं का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि उन्होंने फायर ब्रिगेड की मदद से पूरे क्वारंटाइन सेंटर को सैनिटाइज भी करवाया है। इस अवसर पर एसडीएम ज्वाली ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर को रोजाना सैनिटाइज किया जाता है और वह स्वयं प्रतिदिन क्वारंटाइन सेंटर में विजिट करते हैं। उन्होंने बताया कि ज्वाली में अभी 910 लोग होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एक जमात का व्यक्ति उपमंडल में ट्रेस हुआ था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने इस राष्ट्रीय विपदा की घड़ी में ज्वाली इलाके की एनजीओ के सक्रिय योगदान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ज्वाली में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और दिन रात अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस व प्रशासन रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए बाजारों में गश्त करते हैं तथा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में मोटिवेट कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह अफवाहों से सचेत रहें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। उन्होंने कहा कि प्रशासन मुस्तैद है, अगर कोई झूठी अफवाह फैलाता है तो इसकी सूचना दें, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्यवाही करेगा। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। अभी इस सेंटर में हम रोजाना सैनिटाइज करते हैं और व्यवस्था तो आप लोगों ने देख ली है, मैं खुद विजिट करता हूँ और जितने हमारे 910 के करीब जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, हमारे जो सस्पेक्टेड हैं और सारे नेगेटिव हैं और एक हमारे यहाँ पे जमात से जो आया था सुलेमान, उसको भी वो नेगेटिव निकला है, उसका टेस्ट हुआ है। तो व्यवस्था जो है पुलिस के साथ प्रशासन मिलकर जो है सारे लोग इसमें लगे हैं। इवन कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुछ एनजीओस के लोग होगा और मीडिया का भी कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा सामंजस्य बना के रखा हुआ है, लोगों को गाइड कर रहे हैं अपने स्तर पे भी और जो हमारी जो एनजीओ के लोग हैं वो पुलिस प्रशासन का भी सहयोग कर रहे हैं, जगह जगह नाके पे भी वो सहयोग कर रहे हैं, बाजारों में भी सहयोग कर रहे हैं। तो ये सारा मिलजुल करके सारे जो ज्वाली वासी हैं, ज्वाली सब डिविजन के लोग जो हैं, ये इसमें अपनी तत्परता और अपना सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और प्रशासन दिन रात जो है प्रयासरत है, सुबह हम 8 बजे से स्टार्ट करते हैं, सारा सोशल डिस्टेंसिंग देखते हैं, डीपियों के ऊपर भी रश होता है, वहाँ पे भी हम खुद जाते हैं, पुलिस का प्रशासन भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, हमारे एनजीओ के लोग भी जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर सबके सहयोग से ये अच्छा वातावरण बना है और आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा केस जो है अभी तक किसी को सिम्टम तक भी नहीं है, तो ये एक अच्छी खबर है हमारे ज्वाली सब डिविजन के लिए। सर कोई संदेश देना चाहेंगे अभी आप? हाँ, मैं ये संदेश देना चाहूँगा, कुछ बातें उठ रही हैं क्योंकि हमारे सब डिविजन में हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन अफवाहों के ऊपर विश्वास न करें। मेरे ये सब लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि ये झूठी खबरें हैं और उनके ऊपर अगर कोई अफवाह उठाता है, झूठी खबरें चलाता है कि यहाँ पे लोग मिले, संदिग्ध लोग मिले, पानी को दूषित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन मुस्तैद है, सारे सबके ऊपर नज़र बिठाए बैठा है और आपसी भाईचारे को बनाए रखें, सामंजस्य बनाए रखें। मेरा प्रेस से लोगों से भी कि आप ऐसी खबरें लगाएं जिससे कि एक दूसरे के प्रति द्वेष ना बढ़े, अच्छी पॉजिटिव खबरें लगाएं और हम सब सभी समुदाय को, क्योंकि कोरोना जो है वो किसी एक समुदाय से रिलेटेड नहीं है, सारे इंसानों को जो है जकड़ता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, इसको कंटेन करने के लिए हम सबको इकट्ठे मिलकर इससे लड़ना है। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.